हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाहनवाज, योर फिजिक्स टीचर, एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर स्टडी फॉर द चैप्टर नंबर 8 मोशन, टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक रेट ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड द फंडामेंटल रिलेटेड टू इट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर एक्चुअली हमने जो डिस्कस किया मोशन सबसे इम्पॉर्टेंट, बेसिकली वॉट इज मोशन, देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आज हमें जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने हैं दैट इज़ बेसिकली रेट ऑफ मोशन। सो जब हमने मोशन को डिफाइन किया तो हमने कहा बेसिकली मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर चेंज कर रहा है तो हमने कहा वो मोशन में है। हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी पर किसी ऑब्जेक्ट को देखा, वो कहीं पर हमें नज़र आ रहा है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर नज़र आ रहा है। हमने कुछ टाइम के बाद उसको अगेन देखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो हमने ये पाया कि अब उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो यहाँ पर उसने विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो वो कहलाया मोशन। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है जो मोशन को की क्वालिटी को डिफाइन करता है वो ये कि कितने टाइम में उसने अपने मोशन को चेंज किया या कितने टाइम में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। हम इसको अभी इस तरह से कहें कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज किया। सो मोशन को डिफाइन करने के लिए टाइमिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यही डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना फास्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो इट मीन्स कि वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर अभी दो इम्पॉर्टेंट पिक्चर नज़र आ रही है। देखिए, एक क्रिकेट मैच की है, एक क्रिकेट मैच में एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसकी बॉलिंग की स्पीड लिखी है 140 किलोमीटर पर आवर, 143 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। और उसी के साइड में एक पिक्चर और है जिसमें एक ट्रक जो है वो रोड पर चल रहा है और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर एक इंडिकेशन दिया हुआ है उसकी स्पीड लिमिट का 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रोड पर इस ट्रक की स्पीड लिमिट को शो किया हुआ है। स्पीड लिमिट को इट मींस कि ये बताया गया है कि आप इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या सपोज 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। यहीं पर बॉलिंग स्पीड क्या शो कर रही है कि बॉलर के पास जो बॉल है वो 1 आवर में 140 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। सो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि बॉलिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट है रेदर देन स्पीड ऑफ ट्रक, कि ट्रक की स्पीड से ज़्यादा फास्ट है बॉलिंग। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर गिवन डिस्टेंस। अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम कंसिडर अलग अलग टाइम ले सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट स्लो हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है रेट ऑफ मोशन कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमने बात की और हमने ये कहा कि सपोज 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो ये तभी पता चल सकता है कि वो पर यूनिट टाइम में, सपोज अगर यूनिट टाइम को मैं मिनट में कंसिडर कर रहा हूँ कि 1 मिनट में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। अगर मुझे ये पता चल गया कि वन मिनट में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि इसको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में या 1 किलोमीटर अपनी पोजीशन को चेंज करने में इसे कितना टाइम लगेगा। सो किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि सपोज़ वन मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इट मीन्स कि हम उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि वो किस रेट से मोशन कर रहा है। क्योंकि जब भी हम यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। सो यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कितना पोजिशन चेंज कर रहा है, हम उसका रेट ऑफ मोशन डिफाइन कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर रेट से वो मोशन कर रहा है, किस पर्टिकुलर रेट से मोशन कर रहा है। सो इसी टर्म को और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर से, दैट इज़ स्पीड। सो इसे हम बड़ा सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये
कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि उसने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इट मींस कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम। सो इट मींस कि वी आर डिफाइनिंग द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो द इट इज़ बेसिकली द वे टू मेजर द रेट ऑफ मोशन, इट इज़ बेसिकली द वे टू मेजर द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, सो दिस क्वान्टिटी इज़ रिफर्ड एज ए स्पीड, सो ऑब्वियसली स्पीड क्या था, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, टाइम कितना लगा, कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या पर यूनिट टाइम, टी की वैल्यू वन कर दूँ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है यूनिट टाइम में, इसे हमने कहा स्पीड। स्पीड को हम नॉर्मली वी से शो कर रहे हैं यहाँ पर। सो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस को अगर मैं मीटर में मेज़र कर रहे हैं, टाइम को हम सेकंड में मेज़र कर रहे हैं, तो यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड। सो SI यूनिट ऑफ द स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, या इसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इसे हम सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर डिस्टेंस बड़ा हो तो किलोमीटर पर आवर में, कि पर आवर कितना किलोमीटर चेंजेस हो रहा है, पर आवर कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमेशा मोस्ट पॉपुलर है, एक मीटर पर सेकंड और दूसरा किलोमीटर पर आवर, ये दो मोस्ट पॉपुलर यूनिट्स है स्पीड को मेज़र करने के लिए। सो स्पीड को हमने डिफाइन किया कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की, हमने सिर्फ इतना कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसने पर यूनिट टाइम में वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने मीटर पर सेकेंड में उसको डिफाइन कर दिया। सपोज़ ये 10 मीटर होता तो हम बोलते हैं इट इज़ बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हुई, ठीक है, क्लियर। सो 10 मीटर पर सेकेंड जो हुआ वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर कहीं भी हमने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किस डायरेक्शन में मोशन किया है। तो स्पीड जो है वो बेसिकली सिंपल एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू से शो किया जा रहा है, जिसे हम उसको क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली द मैग्नीट्यूड 10 क्या हो गया स्पीड का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमने सिर्फ इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू से शो किया है, यहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। सो टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, क्लियर। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू किया, हो सकता है कि सपोज़ उसको एक पर्टिकुलर पाथ लेंथ कवर करना है, ये पाथ लेंथ है, हमने सपोज़ कैलकुलेशन किया या ऑब्जर्वेशन किया उसके मोशन का, उस ऑब्जेक्ट के मोशन का, कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह का है, ठीक। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट सेकेंड में हमने घड़ी से टाइम देखा, इसने 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट इंटरवल में हमने देखा तो 3 मीटर कवर किया, नेक्स्ट इंटरवल में हमने देखा तो 4 मीटर कवर किया, नेक्स्ट इंटरवल में हमने देखा कि 5 मीटर कवर किया। अच्छा ये सारे टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है, सपोज़ 1 सेकेंड के, फर्स्ट सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया, सेकेंड में 3 मीटर कवर किया, थर्ड सेकेंड में 4 मीटर कवर किया, फोर्थ सेकेंड में 5 मीटर कवर किया। इट मीन्स कि टोटल 4 सेकेंड्स में उसने 14 मीटर कवर किया। सपोज़ ये सारे 1 सेकेंड के स्लॉट से, 1 सेकेंड, सो फर्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर, देन 1 सेकेंड में 3 मीटर, देन 1 सेकेंड में 4 मीटर, देन 1 सेकेंड में 5 मीटर, सो इन टोटल 4 सेकेंड्स में 14 मीटर कवर किया। सो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर यूनिट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो अलग अलग है, इट मीन्स कि यूनिट टाइम में रेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है यहाँ पर अलग अलग हो रहा है, रेट ऑफ मोशन यहाँ अलग है, यहाँ अलग, तो रेट ऑफ मोशन अलग अलग, इट मींस कि स्पीड अलग अलग है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए स्पीड अलग है। तो एक ही ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है एवरेज स्पीड, कि जब भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पर हम उसकी टोटल या
ओवरऑल स्पीड को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे फॉर एग्जांपल, टोटल डिस्टेंस हो गया 14 मीटर और टाइम हो गया 4 सेकंड, अभी प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखा इस हिसाब से। तो ये क्या हो गई इसकी एवरेज स्पीड। चलिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है जिसने 16 मीटर को 4 सेकंड में ट्रैवल किया, देन अगेन 16 मीटर को 2 सेकंड में ट्रैवल किया। सो यहाँ पर दो स्लॉट हैं 16 मीटर के, पहले स्लॉट को 16 मीटर को 4 सेकंड में कवर किया, देन दूसरे स्लॉट को 16 मीटर को 2 सेकंड में कवर किया, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर। देन टोटल टाइमिंग कितना लगा, पहला 4 सेकंड लगा, दूसरा 2 सेकंड लगा, इट मीन 6 सेकंड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया 32 मीटर, टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड। फाइनली हमें क्या मिला, एवरेज स्पीड। यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है, क्यों? क्योंकि देखो रेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, पहले 16 मीटर स्लॉट के लिए अलग है, दूसरे मीटर 16 मीटर स्लॉट के लिए अलग है, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड की बात की, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड यहाँ पर कितना हुआ, 5.33 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब अगर ऐसा हो कि हम रेट ऑफ मोशन के साथ साथ उसकी डिस्टेंस के साथ साथ उसके टाइमिंग के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की बात भी करें, उसकी डायरेक्शन की बात भी करें, इट मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है और हमने ये कहा कि वो ऑब्जेक्ट सपोज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फिर वो टर्न हो गया अपने लेफ्ट में, फिर वो टर्न हो गया अपने राइट में, ठीक है, फिर देन अगेन टर्न हो गया अपने राइट में, हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर रेट ऑफ मोशन तो होगा ही होगा कि कितने पर्टिकुलर मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात भी अगर कर रहे हैं तो इट मींस कि अगर हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन, स्पीड के साथ में डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं तो इट मींस कि हम कहीं ना कहीं स्पीड के साथ में डायरेक्शन की अगर बात भी कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो स्पीड विद डायरेक्शन इज डिफाइनिंग द वेलोसिटी। देखिए एक बार और समझते हैं इसे। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ने जब चलना शुरू किया तो सपोज इसका जो रेट ऑफ मोशन है, इसकी स्पीड है, वो फिक्स है 2 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पहुँचा पॉइंट बी पर, ठीक है, देन अगेन पॉइंट बी से पॉइंट सी पर पहुँचने के लिए भी इसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड की है, अगेन पॉइंट सी से डी पर पहुँचने के लिए भी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। इट मींस कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड चेंज नहीं की, इसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉइंट बी पर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, पॉइंट सी पर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और पॉइंट डी पर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। इट मींस कि अगर मैं बोल रहा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भले ही स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इट मींस कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। इट मींस कि हर वो टाइम पर जब भले ही स्पीड कॉन्स्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि सपोज इसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, अभी इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे जाना है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पॉइंट से यहाँ चलने के लिए उसकी जो रेट ऑफ मोशन था वो 2 मीटर पर सेकंड था, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए उसका 3 मीटर पर सेकंड था, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 4 मीटर पर सेकंड था। कि सपोज अगर हमने ये टाइम इंटरवल फिक्स कर रखा है कि मैं हर 2 मिनट में चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 मिनट में क्या था, यहाँ पर 2 मिनट में कितना था, यहाँ पर 2 मिनट में कितना था, या इसको हम इस तरह से मेज़र करें कि सपोज इस पर्टिकुलर पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, सपोज 100 मीटर है, तो सपोज़ फर्स्ट 25 मीटर चलने में इसका जो रेट ऑफ मोशन कितना था, सेकंड 25 मीटर चलने में इसका रेट ऑफ मोशन कितना था और यहाँ पर रेट ऑफ मोशन कितना है, इट मींस कि मैं फिक्स इंटरवल के लिए रेट ऑफ मोशन देख रहा हूँ वो मुझे अलग अलग मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन सेम है। तो सेम अगेन अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड रेट ऑफ मोशन, तो यहाँ पर डायरेक्शन भले ही कॉन्स्टेंट है लेकिन रेट ऑफ मोशन बदल रहा है, इट मीन्स कि वेलोसिटी बदल रही है। तो दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे कि किस तरह से वेलोसिटी
चेंज हो सकती है डायरेक्शन के बदलने पर और रेट ऑफ मोशन के बदलने पर। और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर रेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो। सकता है कि यहाँ से यहाँ चलने के बाद कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, देन अगेन 4 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी चेंज हुई, रेट ऑफ मोशन भी चेंज हुआ, तो इट मीन्स क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। सो वेलोसिटी इज़ अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर, वेलोसिटी इज़ अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि रेट ऑफ मोशन अलग अलग है। यहाँ पर भी इस केस में भी हमने देखा वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि रेट ऑफ मोशन अलग अलग है। और वेलोसिटी सेम किस केस में होती, कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या फिक्स्ड लेंथ ऑफ डिस्टेंस के लिए उसकी जो वैल्यू होती वो बिल्कुल सेम होती, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो वेलोसिटी वेरिएबल भी हो सकती है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। आप या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कीजिए या फिर डायरेक्शन चेंज कीजिए या फिर दोनों को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, इट कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्योंकि आपकी वेलोसिटी अलग अलग है, यहाँ पर सपोज क्योंकि रेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, या मैं इसकी बात कहूँ कि यहाँ पर देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। इसको इस तरह से अगेन देखता हूँ मैं, यहाँ पर रेट ऑफ मोशन सपोज 2 मीटर पर सेकेंड का है, अगेन डायरेक्शन भी चेंज हुई, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड का है, अगेन यहाँ देखा मैंने 4 मीटर पर सेकेंड का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअल में क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुई और रेट ऑफ मोशन भी चेंज हुआ, इट मीन्स कि वेलोसिटी हर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, कि यहाँ पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफाइन कर रहे होंगे, जबकि उसकी वेलोसिटी हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चेंज हो रही है, तो हम वहाँ पर किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट इंटरवल्स पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, देन टेक द एवरेज ऑफ दैट। क्लियर, इसको सिंपली हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, किस तरह से, देखिए इस तरह से, सपोज ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, अगेन 2, 4, 6। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, वेलोसिटी को भी जब हम मेज़र करेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो भी सेम स्पीड की जैसी होगी, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, कि इट मीन्स कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज बिल्कुल कॉन्स्टेंट है ना, कि यहाँ पर 2 से ही इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ही वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इस केस में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो हम दो चीज़ कंसिडर करेंगे, पहला इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो इन केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी सपोज यहाँ पर क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन ले लीजिए आप, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, फाइनली यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं। नॉन स्ट्रेट पाथ के लिए जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं या एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हम एक्चुअल में बोलते हैं वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन पोजीशन। अगर आप फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कि फाइनली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने अपनी चेंज में पोजीशन में चेंज कितना किया, तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे, सिंपली यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये चेंज इन पोजीशन हो गया, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट,
ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम इस तरह के जब वेरिएबल वेलोसिटीज़ होगी इस केस में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम की। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितने टाइम में उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया है। सो फाइनली वो शो करेगा उसकी वेलोसिटी को। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। कोई पर्टिकुलर ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, जब आपने कार का ऑडोमीटर देखा, उसका मीटर देखा, तो वो आपको 2000 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। अगेन एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। ट्रिप आपने जब एंड किया यहाँ पर, तो कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। फाइनली कितना रन हुआ, 2000 से 2400, इट मीन्स 400 किलोमीटर का रन हुआ है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है कार से, ठीक है, जैसा कि उसका मीटर बता रहा है। इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा आपको, 8 आवर, ठीक है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, ट्रिप ने कितना टाइम लिया, 8 आवर का टाइम लिया है। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। आपको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करनी है और मीटर पर सेकेंड में भी मेजर करना है। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा है, बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 400 किलोमीटर, टोटल टाइम ट्रैवल कितना, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 8 आवर। सो किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में जो एवरेज स्पीड आई वो 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो कितना आसान है, देखिए 50 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर के लिए मीटर के टर्म्स में लिख दीजिए, आवर के लिए सेकंड्स के टर्म्स में लिख दीजिए। फाइनली आपने यही किया यहाँ पर, 50 किलोमीटर पर आवर को 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली आपको आंसर जो मिला वो 13.9 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ द कार इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड कितना आया, 13.9 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। ये वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए एक और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है। उषा ने एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है, उषा ने 90 मीटर का लॉन्ग स्विमिंग पूल है ये, सपोज 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल में उषा ने क्या किया, यहाँ से शुरू किया स्विम करना, यहाँ पर इस पॉइंट बी तक पहुँची, देन अगेन क्या हुआ, वापस अपने पॉइंट इनिशियल ए तक पहुँच गई। तो टोटल उषा ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 90 मीटर प्लस 90 मीटर 180 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। कितना टाइम लगा उसे ये सब करने में, 1 मिनट। सो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ये सब कुछ उसने 1 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है। स्विमिंग बहुत अच्छी है उषा की। सो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड भी पता करना है और एवरेज वेलोसिटी भी पता करनी है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 180 मीटर। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 180 मीटर एंड द टोटल टाइम टेकन 1 मिनट। सो कन्वर्ट दिस 1 मिनट इनटू द सेकंड बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द मीटर पर सेकंड यूनिट। सो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, सो फाइनली यू विल गेट द आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ द उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर कंसिडरिंग द वेलोसिटी। सो अगेन कम टू द पॉइंट, अभी हमने कहा था, आपको याद आ रहा होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का सब्सट्रैक्शन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन उषा की सेम है, इनिशियल पोजीशन भी ये, फाइनल पोजीशन भी है, इट मींस कि चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, जीरो, चेंज इन पोजीशन हो रहा है जीरो। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो, टोटल टाइम टेकन 60 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर कितना
अच्छा एग्जांपल है ये कि एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है लेकिन एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। सो हमने वेलोसिटी में चेंज की बात की, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ये कैलकुलेट कर पाएँ कि कितना एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है या वेलोसिटी में चेंज उसका कितना है। इसे इस तरह से समझिए कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसने पर्टिकुलर एक फिक्स इंटरवल में इतनी जो जर्नी है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इतनी जर्नी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इतनी जर्नी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, फिर अगेन इतनी जर्नी उसने 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4 एंड अगेन 4 से 3। सो अगर हम ये कैलकुलेट कर पाएँ कि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, तो एक्चुअल में हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की, जो ये डिफाइन कर रहा है कि बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सो एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन द वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन। इसको बिल्कुल इस तरह से सिंपल वे में समझते हैं हम। सपोज अभी हम कंसिडर करते हैं इतना पोर्शन कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसने ट्रैवल किया 2 मीटर पर सेकंड से, देन उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया 3 मीटर पर सेकंड पर। तो यहाँ पर ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को नॉर्मली हम यू से शो करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से शो करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हुआ वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली चेंज इन द वेलोसिटी वी माइनस यू, और टाइम को तो हम टी सेकंड में कंसिडर करते ही हैं, डिवाइडेड बाई टी। सो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू यू टू द फाइनल वैल्यू वी इन द टाइम टी, सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। क्लियर, सो इट इज़ बेसिकली द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ तो चेंजेस किस तरह से, जैसे यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हुआ तो भी चेंज कहला रहा है, 3 से 4 हुआ तो भी चेंज कहला रहा है, और 4 से 3 हुआ तो भी चेंज कहला रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 2 से 3 इंक्रीज हो रहा था, 3 से 4 इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर 4 से 3 वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हम एक्सेलरेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम इस तरह के एक्सेलरेशन की बात करें जहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। पॉजिटिव चेंज का मतलब किस तरह से, मैंने अभी आपसे कहा एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी को वी बोल रहे हैं, इनिशियल को यू बोल रहे हैं, तो दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, इट मीन्स कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना यहाँ पर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म विल बी बिगर देन द इनिशियल टर्म। सो ये कितना होगा, 1। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना आया, 1, वाइल कि हमने यहाँ पर टाइम 1 सेकंड कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव टर्म है, दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्म, तो इस केस में हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो when the velocity is increasing with respect to time, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे इस तरह से भी कहा जाता है कि when the velocity is changing in the direction of velocity, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वहीं पे अगर हम इस वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी 4 से 3 हो रहा है। सो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है, 3, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 4। तो यहाँ पर भी अगर मैं चेंज इन द वेलोसिटी अगर देखूँ तो फाइनल वेलोसिटी 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4 इक्वल टू कितना आया, -1। तो ये टर्म कैसा आया, नेगेटिव। इट मींस कि ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस विल बी टर्म्ड एज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग इन सच अ वे द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद द टाइम, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, सो दिस एक्सेलरेशन विल बी टर्म्ड एज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, इट मींस कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर काम हो रहा है, इसलिए
इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब सपोज यहाँ पर अगर ऐसा होता कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सपोज यहाँ पर इतना इंटरवल में भी इसने 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, 2 मीटर पर सेकंड से, इट मींस कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है। तो फाइनल वेलोसिटी भी 2, इनिशियल वेलोसिटी भी 2, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0। सो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 0। तो इसे हम कहेंगे 0 एक्सेलरेशन, इट विल बी टर्म्ड एज 0 एक्सेलरेशन। सो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज 0 एक्सेलरेशन। एक और टर्म देखते हैं यहाँ पर, अगर सपोज कुछ इस तरह से है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना शुरू किया और वो ऑब्जेक्ट ने सपोज इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल किया 2 मीटर पर सेकंड से, देन इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया 3 मीटर पर सेकंड से, इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है और वेलोसिटी में भी चेंजेस हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप बहुत ईजी वे में, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन से ही समझिए, ज़्यादा ईजी रहेगा कि सपोज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होगी इस तरह से कि सपोज इतना पर्टिकुलर इंटरवल उसने 2 मीटर पर सेकंड से, देन 5 मीटर पर सेकंड से, देन 3 मीटर पर सेकंड से, देन 8 मीटर पर सेकंड से उसने कवर किया, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चेंज इन द वेलोसिटी कितना हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस इंटरवल के लिए देखूँ तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर मैं देखूँ तो 3 माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, कितना हो गया? -2। इस इंटरवल के लिए अगर हम लोग देखें तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। सो यहाँ पर हर इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग हो रहा है, हर इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर -2, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देन नेगेटिव एक्सेलरेशन, देन फिर अगेन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बदल रहा है, उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू भी चेंज हो रही है, इट मीन्स कि कभी 3, कभी 2, कभी 5। सो एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल। देखिए अगर इस तरह से होता कि यहाँ पर 2 से 3 होता, 3 से 4 होता, 4 से 5 होता, इट मींस कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 2 1, यहाँ पर भी 4 माइनस 3 1, यहाँ पर भी 5 माइनस 4 1, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड का है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म है, कैसा है ये? यूनिफॉर्म है, सब जगह 1 की क्वांटिटी है। तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय द 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो आपको समझ में आया होगा एक्सेलरेशन के टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया? तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, जैसे मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का कितना हो गया? सेकंड। तो ये कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट कितनी आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको meter per s^-2 हम इस तरह से शो कर सकते हैं। सो देखिए एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज meter per square second। अब एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 0, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने एक्सेलरेशन को फील किया होगा, अगर किसी बॉल को आप इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन से आप नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉल की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो ये एग्जांपल है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है इसलिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का भी एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे
कि किसी पर्टिकुलर बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूसली इसकी स्पीड कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी इट मींस कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये वेलोसिटी कम होने का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए ये भी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 meters per second and 30 seconds, ठीक है। राहुल ने अपनी बाइसिकल को पैडल करना शुरू किया इस तरह से कि वो वेलोसिटी अचीव कर ले 6 meters per second की, उसने 30 seconds में अचीव कर ली। इस तरह से कहेंगे कि उसने 30 seconds में अपनी वेलोसिटी अचीव कर ली 6 meters per second से। स्टेशनरी पोजीशन में था, इट मींस कि अगर मैं बात करूं कि राहुल की इनिशियल पोजीशन क्या है, स्टेशनरी, मतलब अभी इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और 30 सेकंड में, टाइम 30 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, 6 meters per second। तो क्या कहा, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो फाइनली हुआ 6, और टाइम कितना हुआ, 30 सेकंड। सो आप वैल्यू पुट अप कीजिए, फाइनली आपको मिलेगा 0.2 meters per second square। सो ये टर्म क्या शो कर रही है, एक्सेलरेशन ऑफ द राहुल, एक्सेलरेशन ऑफ द राहुल, कि राहुल का जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 per square second है। इसी के साथ में देखिए क्या लिखा है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, फिर राहुल ने क्या किया, अपनी बाइसिकल पे ब्रेक लगाया, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम होगी उसकी। देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 meters per second। अब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 meters per second हो गई, ठीक है। कितने टाइम लगा इसको, 5 सेकंड में, एकदम से तो कम नहीं होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो जैसे ही राहुल ने अपनी बाइसिकल पर ब्रेक लगाया, हाँ, जब राहुल ने अपनी बाइसिकल को ब्रेक लगाया था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 meters per second, ये भूलना नहीं है, ठीक है। वो 6 meters per second की वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, और फिर उसने ब्रेक लगाया, इट मींस कि अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 6 meters per second, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 meters per second, और टाइम उसे कितना लगा, 5 सेकंड। सो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हो सकता है, कितना होगा, 4 meters per second माइनस 6 meters per second, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल 4 initial 6 डिवाइडेड बाई टाइम 5 सेकंड। सो यहाँ पर सेकंड वाले केस में एक्सेलरेशन राहुल का आया माइनस 0.4 meters per second square। तो देखिए पहले आया पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया था, देन ब्रेक लगाकर वेलोसिटी को डिक्रीज़ किया तो आया नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आते हैं तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर अगेन उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।